हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ईशा मेहरा आपके लिए लेकर आई है बहुत ही आसान सा डाइट प्लान, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो रोजाना अपना 2 किलो वजन घटा सकते हैं। ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए है जो नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉनवेज के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो वो कभी पतले नहीं हो सकते। लेकिन उनकी मैं सोच आज बदल के रहूंगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नॉनवेज वाला विद एग वाला डाइट प्लान, जिसे अगर आप खाएंगे तो आप पतले भी होंगे और आपका टेस्ट भी भरपूर बना रहेगा। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो डाइट प्लान मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, बड़े बड़े डाइटिशियन उसको फॉलो करते हैं। आप उनको बहुत ज्यादा पैसा देते हैं इस सब चीजों के लिए और डाइट प्लान उनसे लेते हैं, लेकिन वही डाइट प्लान आज आपको मैं बताऊंगी, वो भी इतने इजीएस्ट वे में और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे आप रोजाना देखना भी है और उसको फॉलो भी करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। आपको करना है वीडियो को बहुत सारा लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आपसे आने वाला कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, और करना है बहुत ज्यादा शेयर। अब जान लेते हैं कि डाइट प्लान का मतलब क्या होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए डाइट प्लान एक ऐसी चीज है, हम क्यों फॉलो करते हैं, क्यों हम सर्च करते हैं गूगल पर। डाइट प्लान एक ऐसी चीज है जिसमें हम लो कैलोरीज खाकर, लेकिन हम उसमें जितने भी ऐसे खाना खाते हैं जिससे हमें सारे पोषक जो मिलने होते हैं खाने से, वो हम ले भी लेते हैं। फैट वाली चीजें हम ज्यादा नहीं खाते, कार्ब्स हम ज्यादा नहीं खाते, कैलोरीज में भी लो होता है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, साथ में हमारा पेट भी भर देता है और उसमें वैरायटीज भी भरपूर होती हैं। तो ये हो गया कि डाइट प्लान का मतलब। तो अब आपको मैं बताऊंगी वो डाइट प्लान कि जिसमें कि आपका पूरे दिन की कैलोरीज भी कम हो, आप हेल्दी फूड भी खाएं, प्रोटीन्स भी आपको मिले, मिनरल्स भी आपको मिले, हर चीज का बेनिफिट आपको मिले और आप भूखे भी ना रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है 8 बजे से स्टार्ट, यानी हमारा जो डे होता है वो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है। ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है, ग्रीन टी लेनी है या ब्लैक कॉफी लेनी है। अब इनके साथ जिन लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है वो ग्रीन टी ना लेकर वो लेमन वाटर ले सकते हैं, या मॉर्निंग रेमेडीज मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आप ग्रीन टी लेंगे तो इंस्टेंट आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। उसके बाद आपको करना है 1/2 आवर का वर्कआउट, जिसके लिए आपका बॉडी स्टेमिना हो जाएगा एकदम प्रिपेयर, आपको बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी, आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, तो आप आसानी से वर्कआउट कर पाएंगे। अब बारी आ जाती है 10 बजे के ब्रेकफास्ट टाइमिंग की। मोस्टली जिनको भी ऑफिस वर्किंग है, स्कूल जाना है, या अगर हम घर पर हैं, तो ब्रेकफास्ट हम 8 बजे भी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 8 बजे इनफ है टाइम, वो सेट होता है सबके अकॉर्डिंग, वो टाइमिंग सूट करता है। हमें लेने हैं ओट्स। ओट्स हमें जो खाने हैं वो मार्केट में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो नहीं खाने। मैंने आपको बताया भी अपनी लास्ट वीडियो में कि हमें वेजिटेबल, जो सीजनेबल वेजिटेबल्स अवेलेबल है, उनको हमें वॉश करके कट करके हमें उसको बॉइल करना है, नमक उसमें ज्यादा नहीं डालना और ड्राई ओट्स उसमें ऐड कर देने हैं। साथ में उसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें प्रोटीन भी उससे मिल जाए, और वो आपको खाना है बाउल भर के। अगर आप वो बाउल भर के खाएंगे तो आपको लंच टाइम तक, यानी 2 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, अगर आपने 8 बजे ये खाया है तो। अगर आप ओट्स नहीं खाना चाहते, सपोज आपने एक दिन ओट खा लिया, तो नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, 2 इडली ले सकते हैं विदाउट सांबर। इडली एकदम स्टीम में पकती है तो उसमें फैट नहीं होता, कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं। साथ में अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो थर्ड डे आप क्या ले सकते हैं, आपको 6 बॉइल्ड एग खाने हैं, क्योंकि हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन इसमें येलो वाला पार्ट हमें नहीं खाना, सिर्फ हमें एग का व्हाइट वाला पोर्शन खाना है बॉइल कर। अगर आप ऑमलेट फॉर्म में भी खाना चाहते हैं तो व्हाइट वाले पोर्शन का ही हमें ऑमलेट रेडी करना है, उसमें से येलो पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। अब बारी आती है अगर हम सैंडविच खाना चाहते हैं तो सैंडविच हमें किसका खाना है, नॉर्मल ब्रेड का नहीं, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच खाना है पीनट बटर लगाकर। उसमें हम क्यूकम्बर और टमाटो ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्यूकम्बर और टमाटो साथ में ऐड मत करेगा, क्योंकि वो दोनों फूड्स एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। एक दिन आप खीरा लगा के खा सकते हैं, एक दिन आप टमाटो लगा के खा सकते हैं, उसमें पीनट बटर का इस्तेमाल करिए। साथ में आप इसमें पी सकते हैं 1 ग्लास दूध। दूध आपको कैसे लेना है, बिना चीनी के, और साथ में उसमें मलाई आप निकाल लीजिएगा पहले उबालने के टाइम पर, ताकि आप डबल टोन जो आता है, फैट फ्री जो होता है मिल्क, आपको सिर्फ उसी का यूज करना है। फैट वाला मिल्क आपको बिल्कुल नहीं पीना अगर आप वेट लॉस प्रोसेस पर हैं और अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो। अब बारी आ जाती है इन द मेन वाइट, यानी लंच से पहले अगर आपको फिर भी भूख लग गई है, सपोज अगर आपको खाने की आदत ही हैवी ब्रेकफास्ट की। अब आप सोचेंगे कि मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट खाता था और ये मुझे इडली पे बेस पे रोक रही है मॉर्निंग में, तो मैं कैसे रुकूंगा। अगर हमें ब्रेकफास्ट और लंच से पहले इन द मील वाइल जो भूख लगती है उसमें हम खा सकते हैं 7 to 8 nuts, यानी हम आलमंड्स रात को आप भिगोइए और सुबह छिलकर रख लीजिए, या जब आपको भूख लगेगी तब आप उसको खा सकते हैं। और हमें खाना है लो फैट कर्ड, यानी जो ऐसे दूध का बना हो जिसमें फैट ना हो, वो हमें दही खाना है। उसके साथ साथ अगर आपको भूख लगी है या आपको चेंज चाहिए
खाइए। आपने सपोज आज दही खा लिया, नेक्स्ट डे आप बोर हो जाएंगे, दही खाने का मन नहीं है, तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। अगर कोकोनट वाटर भी नहीं पीना चाहते तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करके। अब बारी आ जाती है लंच में। लंच का टाइमिंग होता है 1 से 2 के बीच में। लंच टाइम में आपको क्या खाना है? अगर आपको खानी है रोटी तो आपको लेनी है सिंगल रोटी, वो भी बिना घी के, और साथ में आपको खाना है बॉइल्ड चिकन। बॉइल्ड चिकन अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप स्मोकी चिकन भी खा सकते हैं, जो माइक्रो कर सकते हैं, जिसमें विदाउट ऑयल जो बनता है स्मोकी चिकन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फैट नहीं होता, आपका फैट नहीं बढ़ेगा, आपको साथ में मिलने वाले प्रोटीन से जो भी पोषक तत्व हैं, प्रोटीन्स हैं, वो भी आपको चिकन से मिल जाएंगे। साथ में अगर आप ये भी नहीं खाना चाहते, अगर आपने एक दिन नॉन वेज खा लिया, नेक्स्ट डे आप वेज खाना चाहते हैं, तो आप बॉइल्ड दाल करके खा सकते हैं। बॉइल्ड दाल हमें कैसे खानी है? उसमें हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना, दाल को हमें पानी में बॉइल करना है, हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा नमक हमें इसमें ऐड करना है और उसको हमें बाउल भर के खा सकते हैं। साथ में हमें लंच में हमेशा दही खाना चाहिए, लेकिन लो फैट कर्ड खाना चाहिए, जिसमें फैट नहीं होता। उस दूध से जो दही बनता है हमें उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि दही जो है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो डेली हमें अपने लंच में, चाहे हम चिकन खा रहे हैं या अगर हम वेज खा रहे हैं, तो हमें एड ऑन कर लेना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको भूख लग रही है तो आप इसमें दोबारा से बॉइल्ड एग खा सकते हैं, लेकिन एग व्हाइट खाना है आपको। तो यहाँ पे आपका लंच खत्म हो जाता है। अब बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की, कि हमें डिनर से पहले यानी 5 बजे का टाइम, जो बहुत भूख लगती है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उस डाइवर्ट माइंड को सेट करने के लिए हमें हेल्दी फूड खाना है, लो कैलोरी वाला। इसमें हम 7-8 नट्स खा सकते हैं, यानी आलमंड्स खा सकते हैं हम, किशमिश खा सकते हैं हम इसमें पीनट्स खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं हम, इसमें चने भी खा सकते हैं भुने हुए, जिससे कि हमें प्यास भी लगेगी और हमारा स्टेमिना भी बिल्डअप हो जाएगा। उसके साथ साथ आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। कोकोनट वाटर भी अगर आपके लिए इनफ नहीं है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज रहेगा। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो आपका फैट भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा, आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा। अब बारी आती है डिनर की, हमें डिनर में क्या खाना है। डिनर के टाइमिंग होते हैं 7 to 8। आपका हैट्रिक शेड्यूल है, आप नहीं पहुंच पा रहे, आपकी ट्यूशन इतनी ज्यादा है, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप मैरिड हैं, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है, फैमिली का लाइफस्टाइल ऐसा है, तो मैक्सिमम आप 8:30 तक डिनर कर लीजिए। अब जान लेते हैं कि हमें डिनर में क्या खाना है। हमें डिनर में खाना है 250 ग्राम बॉइल्ड चिकन या स्मोक चिकन। अगर हम चिकन नहीं खाना चाहते, हमें नेक्स्ट डे कुछ और खाना है, या जो वेजिटेरियन है वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, वो बॉइल्ड दाल खा सकते हैं या बॉइल्ड वेजीज खा सकते हैं। कोई भी सब्जी को उबाल कर हल्का सा नमक, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली नमक, वो भी सेंधा नमक का इस्तेमाल करेगा, नॉर्मल सफेद नमक का नहीं, सेंधा नमक का आप इस्तेमाल करिए। साथ में हल्की सी उसमें काली मिर्च एड ऑन कर सकते हैं। कोई भी सीजनेबल वेजिटेबल्स है या दाल है, उसका आप डेली सेवन करें, बाउल भर के खाएं, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको दाल से मिलने वाले जितने प्रोटीन्स हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, वो भी आपकी बॉडी को मिलेंगे। साथ में आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इसमें आपने घी ऐड नहीं किया है, ज्यादा मसाले आपने ऐड नहीं करे, जो आपका वेट बढ़ने ही नहीं देंगे। फिर भी आपको भूख लगती है तो साथ में आप सैलेड खा सकते हैं। सैलेड में आप कुछ भी खा सकते हैं, जो भी आपके सीजनेबल अवेलेबल है। अगर खीरा अवेलेबल तो खीरा खा सकते हैं, टमाटो खा सकते हैं। अगर खाना खाने से पहले, आधा घंटा पहले, अगर टमाटर भी खाया जाए तो भी हमारी भूख कंट्रोल रहती है। और साथ में अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप बहुत सारा पानी पीजिए। अगर आप पानी पियेंगे सिप सिप करके, तो डेफिनेटली आपकी भूख भी कंट्रोल रहेगी, आपका वाटर का जो रेशो है कि हमें इतना पानी पीना है, वो भी कवर अप हो जाएगा, आपके स्किन भी ग्लो करेगी और आपके बॉडी के वेस्ट टॉक्सिन भी रिमूव हो जाएंगे और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो ये है आपका मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन। वेजिटेरियन भी इसको फॉलो कर सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप नॉन वेज खाते हैं और आप वेट लूज नहीं कर सकते। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे रेगुलरली, तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप एक दिन में 2 किलो वजन आसानी से घटा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है, सिर्फ इस डाइट प्लान पे ही नहीं रह जाना, आपको करनी है मेरी एक्सरसाइजेस फॉलो। डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ही आपका वजन कंट्रोल में रहता है, क्योंकि बॉडी को वार्म अप करने की, हीट अप करने की, अपना फैट जो हमारे अंदर पहले का है उसको तो बर्न करना जरूरी है ना। ये डाइट प्लान आपको वजन और बढ़ने नहीं देगा, उसको कम भी करेगा, लेकिन कम करने के लिए, उसको एक लेवल में लाने के लिए आपको एक्सरसाइजेस डेली फॉलो करनी है, एटलीस्ट 1/2 आवर। उसके रैप ज्यादा करिए, बहुत सारी वीडियोस हैं उनको फॉलो करिए। तो दोनों अगर आप चीजें फॉलो करेंगे तो आपका वेट बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। ऐसी ही आपके लिए मैं मजेदार वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, डाइट प्लान कैसा लगा, तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।